नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो निकाय चुनाव का रण और शुरू हो गया दंगल। जी हाँ, यूपी में दो चरणों में निकाय चुनाव होने हैं और पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से ही लगातार जो जनता है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है, साथ ही साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि निकाय चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं, इस वजह से इसको कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल माना जा रहा है। क्योंकि इस चुनाव के जरिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये भांपने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में यूपी तमाम पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। यही वजह है कि निकाय चुनाव में भी हर एक पार्टियों ने अपना पूरा दमखम दिखाया था। तमाम पार्टियों के जो दिग्गज नेता है वो चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों के लिए खुद प्रचार करते हुए नजर आए थे। क्योंकि निकाय चुनाव एक शहर का चुनाव नहीं है, बल्कि ये जनता का मूड तय करने वाला चुनाव है। कहीं ना कहीं ये एक निर्णायक चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो सभी पार्टियां हैं वो अब ये जानने का प्रयास कर रही है कि जो जनता का मूड है वो क्या है। क्योंकि निकाय चुनाव ऐसा चुनाव होता है जो शहर के हर एक छोटे क्षेत्र से लेकर के वार्ड मोहल्ले से लेकर के एक बड़े क्षेत्र तक का चुनाव होता है, जिससे पार्टियां ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर यूपी की जनता का मूड क्या है। और सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है, मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। लेकिन इसी बीच जो समाजवादी पार्टी द्वारा एक ट्वीट भी किया गया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये गुहार लगाई है कि वो यूपी में निष्पक्ष चुनाव कराए। लेकिन इसी बीच जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे तो वो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में, आज 4 मई को, 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूँ। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। हो चुका है और हमारी अपील है जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से, इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लें और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। और इसलिए जिताना जरूरी हो गया है, इस भ्रष्ट सरकार को अब हटाने की ज़रूरत है। तो पूरी तरह से इस भ्रष्ट सरकार से परेशान जनता हो चुकी है, तो इसलिए हटाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कल डिंपल यादव भी वहाँ पहुँची थी, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा नहीं कि ईमानदारी से चुनाव हो सके, अधिकारी हैं गड़बड़ी कर सकते हैं कुछ। ये देखिए, नौकरशाही के भरोसे ही चुनाव और इतनी गड़बड़ियाँ कराने का प्रयास करते रहते हैं ना, और ये अगर सही मतदान हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी नहीं जीत सकती है। जिस तरह से कल केशव प्रसाद वो रहे थे इटावा में, उन्होंने कहा कि साइकिल पंचर हो चुकी है, अब जनता जो है टायर ट्यूब भी उखाड़ेगी। देखिए, इन बड़बोले मंत्री तो हैं ही, ये अपने विभागों में कुछ कर नहीं सकते हैं, विकास तो कर नहीं सकते हैं विभागों द्वारा। यहाँ तक कि किसी को रोजगार भी नहीं दे सकते हैं,
ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकते हैं, किसी भ्रष्ट अधिकारी को भी खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। तो ये बड़बोले मंत्री हैं, केवल ये जनता में यही प्रचार कर सकते हैं, रोजगार दे नहीं सकते हैं। शिक्षा का अगर जनता शिक्षित हो जाएगी तो इनसे सवाल करेगी, रोजगार मांगेगी। तो इसलिए ये केवल भ्रमित करेंगे और जनता का इनका प्रयास है कि यही टाइट ट्यूब निकालने का काम जनता करती रहे। ओके, आज देश का सम्मान भी बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में सम्मान राज्य का बढ़ रहा है, और गरीब कल्याण योजनाएं जो करोड़ों लोगों के पास अपना आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, वो सभी को मिल रहा है। अब उदाहरण लीजिए देश का सम्मान, सूडान जैसी घटना जो आज हो रही, वहां आतंकवादी सेना आपस में लड़ रहे हैं, समय हिंदुस्तान के जैसे पता चलता है कि भारत के बच्चे, अभी मुझे मिल गया, वो अभी बच्चे वापस लौट रहे थे आजमगढ़, बाकी जनपदों से कानपुर में लोग बताए जी ढाबा पर भोजन कर रहे थे, यानी जैसा नाम सुनते हैं कि हिंदुस्तान का बच्चा है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन बच्चों को कोई बदतमीजी नहीं करता है, सुरक्षित व जाते ना आतंकवादी सीधे और आपस में कत्लेआम हो रहा है, सड़कों पर लाश आ रही है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी बच्चों को कोई नहीं बोलता है सुरक्षित वो देश वापस आ रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की। निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी तो मतदान करने के दौरान ही तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ कहा है ये भी आपने सुना है, लेकिन 3 बजे का मतदान प्रतिशत भी अब जारी हो चुका है। तो 3 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज है वो अब सामने आ चुका है, और 3 बजे के वोटिंग परसेंटेज पर अगर हम एक नजर डालें तो प्रयागराज में 3 बजे तक महज 24.31% वोटिंग हुई है, जबकि वाराणसी में 32.7% मतदान हुए हैं। मुरादाबाद में 3 बजे तक 25.1% ही वोटिंग हो पाई है, जबकि फिरोजाबाद में 42.69% वोटिंग हुई है। तो आपको बता रहे हैं कि 3 बजे तक वही लखनऊ में 41.28% वोटिंग ही हुई है। तो सहारनपुर की अगर हम वोटिंग की बात करें तो यहां भी लगातार सुबह से ही वोटिंग जारी है, और आगरा की अगर हम बात करें तो 44.83% जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जबकि झांसी में 41% ही वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रयागराज में जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कहीं ना कहीं कम किया है, लेकिन हम लगातार जनता से यही अपील कर रहे हैं, प्राइम टीवी लगातार जनता से यही अपील कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान स्थल पर पहुंचाओ, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक एक वोट हमारे देश का भविष्य तय करता है, हमारे क्षेत्र का विकास तय करता है। तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, और लगातार हम तमाम जो क्षेत्र की जनता है उसको मोटिवेट भी इस आंकड़ों के जरिए करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभांशु, हमने 3 बजे के वोटिंग परसेंटेज पर एक नजर डाली, लेकिन प्रयागराज का वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, वजह क्या है? हाल फिलहाल में अगर देखें तो प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं वहां चुनाव में अपेक्षा की जा रही थी कि जो चुनाव होगा इस बार काफी खास होगा, क्योंकि अगर देखें तो प्रयागराज के अंदर में 24.31% मतदान हुआ है, जिसमें साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो अपने घरों से कम निकल रहे हैं, जिसका नतीजा है कि 3 बजे तक 24% मतदान संपन्न हुआ है। ठीक है विभांशु, अगर हम 2017 के निकाय चुनाव की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 2017 का वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा रहा था, तो क्या लगता है जो 6 बजे के बाद का फाइनल वोटिंग परसेंटेज होगा उसमें कितनी हद तक बढ़ोतरी हो सकती है? जी, अगर अभी अनुमान लगा नहीं सकते, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 30% के करीब ये वोटिंग परसेंटेज हो सकते हैं, यानी कि 6% का इसमें इजाफा हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो कुछ जिलों में निश्चित तौर पे ये साफ हो गया है कि
मतदाता जागरूक हो गए हैं और जिसका नतीजा है कि वहां के वोट परसेंटेजेज में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। आप देख सकती हैं कि चंदौली के अंदर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के बगल में आता है वहां पर 48% मतदान हुए हैं, जिससे साफ है कि कहीं ना कहीं वहां के मतदाता जागरूक हो रहे हैं। और बात करें तो दूसरे जगह अगर ठीक है, यानी कि विभांशु हो सकता है कि शाम होते होते वोटिंग परसेंटेज में खासी बढ़ोतरी देखने को मिले। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव का महासंग्राम जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि आज निकाय चुनाव के पहले चरण का वोटिंग होगी। इस दौरान जो तमाम पार्टियों के प्रत्याशी हैं उनकी साख दांव पर लगी है, जो तमाम दिग्गज नेता हैं कहीं ना कहीं अब उनकी जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। उनके सामने क्षेत्र को जीतने की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर ये हॉट सीट है जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर यहां पर जनता का जनाधार ज्यादा किसको मिलता है, क्योंकि ये तीन ऐसे जगह है जहां पर तमाम कई नेताओं की साख भी दांव पर लगी है। तो ये वही क्षेत्र है जहां पर वर्चस्व की लड़ाई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो है एक तरफ गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो लखनऊ सबसे बड़ी नगर निगम है। यही वजह है कि ये तीन जगह ऐसी है जहां पर हर एक लोगों की निगाह टिकी हुई है। तो पहले चरण में 9 मंडल में वोट डाले जाएंगे, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर के साथ वाराणसी मंडल का भी नाम शामिल है, जहां पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। तो तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा का समय माना जाए तो बीत चुका है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में कोई खासी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इसका सीधा असर हो सकता है कि निकाय चुनाव के नतीजों पर भी पड़े, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव की जो वोटर्स लिस्ट आई है उसमें तमाम कई मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम नहीं है, और मतदाताओं का यह कहना है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट डाला, विधानसभा चुनाव में वोट डाला, लेकिन इस बार के निकाय चुनाव में उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं शामिल रहा। तो वहीं क्षेत्र से कई ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर हिंसक झड़प हुई है, मुरादाबाद के साथ ही संभल समेत कई ऐसी जगह है बिजनौर जहां पर हिंसक झड़प की तस्वीरें भी हमने देखी। ये सभी वो क्षेत्र हैं जिन्हें पश्चिमी यूपी कहा जाता है, और पश्चिमी यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी हिंसक झड़प की खबरें सामने आई थी। तो वहीं निकाय चुनाव में भी पश्चिमी यूपी से झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो निकाय चुनाव का महासंग्राम जारी है, और इस निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। तो निकाय चुनाव कितना दिलचस्प है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक स्पेशल पैनलिस्ट जुड़ा है, जहां सपा से हमारे साथ रविंद्र प्रताप जी जुड़े हैं, शमसी आजाद भाजपा से जुड़े हैं, तो वहीं सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आप तीनों पैनलिस्ट का प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, चर्चा की शुरुआत मैं रविंद्र जी सीधे आपसे करूंगी कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये अपील की है निर्वाचन आयोग से कि यूपी में निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं तो यूपी में निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। तो क्या आपको लगता है कि यूपी में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे हैं? प्रयागराज में भाजपा प्रत्याशी पकड़ाया साड़ी और रुपए बांटते हुए, फिर हमारे पास वीडियो आई है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र सहारनपुर में वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, वहां पर पुलिस एजेंट के रूप में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के। फतेहपुर का एक कोतवाली का इंस्पेक्टर सरेआम कह रहा है कि गोली मार दूंगा। फिरोजाबाद में हमारे प्रत्याशी के बेटे को गोली मार दी गई है। तो इस प्रकार की घटना शो करती है, इसमें कोई भी पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जिन प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, क्योंकि पुलिस इसी का पार्ट है। तो कहीं भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, फिर भी अगर आप देखिएगा तो जनता निकल रही है, भारी मतों में जीत निकल रही है। आप खाली लखनऊ का बात ले लें तो लखनऊ शहर छोड़ दें, लखनऊ नगर निगम में एवरेज मान लीजिए 30% हुआ है, लेकिन पंचायत इटौंजा में 60%, मोहना में 66%, फिर काकोरी में 50% से ऊपर, गोसाईगंज में 56%। तो ये जो इसके पुलिस के तमाम बाधाओं के बावजूद भी लोग निकल के वोट डाल रहे हैं, और निश्चित है शाम होते होते सबसे ज्यादा समस्या हमारी सहारनपुर में है, और शाम होते होते ये हमारा वोटिंग परसेंट टोटल 66% के लगभग जाने की मैं अपेक्षा करता हूं, और कितना भी बेईमानी कर ले इनको उसी तरह से जवाब मिलेगा जैसे
पंचायत के चुनाव में मिला था और हम आपकी विजयी होकर आएंगे और लखनऊ की नगर निगम की सीट भी लेके आएंगे। धन्यवाद। ठीक है शमशी जी, अभी आपने सुना कि रविंद्र प्रताप जी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पुलिस जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रही है, मतदाताओं को रोका जा रहा है, कितने सहमत हैं आप इस बात से? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था 0% टॉलरेंस का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कामयाब किया है और इस वक्त उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा निकाय चुनाव है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना, कहीं से किसी का मर्डर, किसी का अपहरण, किसी क्या कहते हैं किसी प्रत्याशी के घर में उसको उठा लेना, किडनैपिंग जैसी ऐसी कोई भी वारदात, कोई भी घटना अभी तक उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से नहीं आई है। ये 2012-2017 के बीच में हुआ करता था जब मेयर प्रत्याशी और महापौर के प्रत्याशी तक को किडनैप कर लिया जाता था, बंदूक के बल पर उनको उठा लिया जाता था, प्रशासन के बल पर उनका अपहरण कर लिया जाता था और बहुत से प्रत्याशी मैदान छोड़कर चले जाते थे और निर्विरोध जीत जाया करते थे इनके गुंडे माफिया। तो ये चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से खत्म कर दी है। अब ये बेवजह की आवाजें उठाना कि वहां पर लाठी चल गई, वहां पर गोली चल गई, वहां पर ऐसी कोई भी अप्रिय घटना, हाँ एक दो जगह पर कहीं पर वोटिंग मशीन के खराब होने की बात जरूर आई है, कहीं पर चुनाव देर से शुरू होने की बात जरूर आई है, कहीं पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बातें जरूर आई हैं, लेकिन वहां पर भी अधिकारियों ने पहुंचकर उसको जल्दी से जल्दी जो समस्या है उसका निस्तारण किया है और ओवरऑल मिला जुलाकर ये जरूर है कि वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा, जबकि हमारे सारे नेताओं ने अपील किया था बाकायदा आपके चैनलों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी और अलग से भी वीडियो जारी किया था जिसमें योगी आदित्यनाथ भी थे और आपके क्या कहते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे, आपके केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी थे, सभी लोगों ने वोट करने की जनता से अपील की थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक का जो परसेंटेज आया है वो काफी कम है, परसेंटेज हो सकता है कि अभी ठीक है। शमशी जी, अभी आपने कहा कि अपील तो की गई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि कई मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं था, जो मतदान देने तो पहुंचे लेकिन उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा? नहीं, हमने पहले ही कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जरूर देखने को मिली है कहीं पर, ये मैंने पहले ही आपसे कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जरूर मिली है और मशीन में वोटिंग मशीनें जो है आपकी ईवीएम मशीन उसमें भी गड़बड़ी जरूर मिली है, लेकिन उसको तुरंत अधिकारियों ने पहुंचकर सही करने का काम किया है और ओवरऑल इस वक्त जो चुनाव पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है, अभी तक कोई भी कहीं से अप्रिय घटना नहीं घटी है, ना कहीं पर ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत बड़ा बवाल हो गया हो, कहीं पर वोट रोक दिया हो, मतदान रोक दिया गया हो, ऐसा भी कहीं पर नहीं हुआ हो, ये है कि परसेंटेज जरूर कम है। ठीक है सैयद मोहम्मद तकी साहब, आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद जी, वैसे कहा जाता है कि जो निकाय चुनाव होता है वो क्षेत्रीय समस्याओं का चुनाव होता है, जिसमें सड़कों पर बात होती है, जिसमें आम जनता की जो विकास है उस पर बात होती है, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि इस बार के निकाय चुनाव में उस मुद्दों पर बात हुई है? क्योंकि हर जगह हमने सुना है अतीक अशरफ के मुद्दों पर ही बात हुई है। देखिए आम आदमी पार्टी ने जहां जहां प्रचार किया, जहां जहां मीडिया पे हम लोग पे, हमने हमेशा स्थानीय मुद्दों की बात उठाई है, हमने वहां की नालियों की बात उठाई है, कूड़े की बात उठाई है, सफाई की बात उठाई है, कितने लोग लखनऊ में और आसपास के एरियों में, जहां जहां निकाय और बहुत से शहरों में डेंगू से पीड़ित रहते हैं, जापानी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित रहते हैं, मच्छरों काटते बीमारियां हो रही है, इस मुद्दे को हमने बहुत बढ़ चढ़ उठाया है, गलियों से कूड़ा नहीं फेंका जा रहा, इस मुद्दे को हमने उठाया है, बारिश में पानी जम जाता है, लोगों में पानी चला जाता है, सीवर सही नहीं है, इस मुद्दे को हमने बहुत बढ़ चढ़ के उठाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर मुद्दे को या धर्म बदलना चाहती है या जाति के ऐसे क्रम में बांटना चाहती है और स्थानीय मुद्दों की बात कहीं गुम हो जाती है, लेकिन हमने आम आदमी पार्टी ने हमेशा जहां भी गए हम लोगों ने स्थानीय मुद्दों की बात की, परेशानी की बात करी और जो कि बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं, नगर निगम में लखनऊ में इनका मेयर पिछले कई सालों से कई 27 सालों से तकरीबन आसपास है या कई सभासद के बहुत पुराने हैं, उस वार्डो में दिखाने के लिए, बात करने के लिए, जनता के बीच में ले जाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए अतीक अहमद वाले बात को ज्यादा चिल्ला रहे हैं, उसका शोर मचा रहे हैं, लेकिन ये जो नगर निगम में इन्होंने काम किए हैं वो दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ घोटाले हैं, उस घोटालों में बेचारे क्या बात करें। दूसरी बात रही, भारी अनियमितता पाई गई है, बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में लोगों के नाम नहीं है और बहुत सी जगहों मैंने देखा जहां 100 वोटर हैं, 100 लोगों के पास अपने वोटर आईडी कार्ड भी हैं, उनके कार्ड उनके नाम नहीं है वोटर आईडी लिस्ट के अंदर और वोट नहीं डाल पा रहे हैं, जहां तकरीबन मैंने देखा 70-80 लोग जो है वहां पे उनके नाम जो है सिर्फ 13-14 लोगों के है या 17 लोगों के, तो बहुत भारी संख्या में अनियमितता पाई गई वोटर लिस्ट में। दूसरी बार इस बार
ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीटी पैड यूज नहीं किया जा रहा है, तो सिर्फ ईवीएम मशीन से वोट डाला जा रहा है, वीवीपीटी पैड नहीं यूज किया जा रहा है, तो उससे मिलान कैसे होगा और कैसे वो सत्यापित होगा कि वोट जो गया है वो सही है? ये भी लोगों के मन में सवाल मंशा उठी लोगों के कि वीवीपीटी पैड क्यों नहीं यूज किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि जी बताइए, हर तरह से जो है वोट को रिजर्वेटर बुझाने की, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। मैंने कुछ जगह पे देखा कि बीजेपी के कुछ वोटर्स को माला पहनाने लगे जो उनको वोट देने आए, हमने टोका वहां पे, हम लोग हमने आपत्ति जज कराई तो उन लोगों को वहां से हटाया गया। ये कौन सा तरीका कि आप लोगों को माला पहना रहे हैं, कई जगह भंडारा चल रहा है, कई जगह लोगों को अलग तरह से प्रलोभन दिया जा रहा है, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। टोटल पूरी तरह से जो है फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और हमारे डीएम, हमारे निर्वाचन आयोग इतनी भी अपील करें जनता से, लेकिन जमीन के ऊपर जो है वो दिख नहीं रहा। अगर आप निकलिएगा बाहर और वार्डों को चक्कर लगाइएगा, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। ठीक है रविंद्र जी, लगातार भाजपा ये दावा कर रही है कि लखनऊ में एक बार फिर से उन्हीं का मेयर बनेगा, यानी सुषमा खरकवाल मेयर बनेंगी। 28 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, तो क्या आपको वाकई में लगता है कि जिस विकास का वो दावा करती है वो विकास आज तक लखनऊ की जनता को मिला है? रविंद्र जी, लखनऊ के विकास के दावे में मैं 2-3 बार बता चुका हूं आपके यहाँ कि आखिरी इनका जो बजट था 2 अरब रुपए का था, 170 करोड़ रुपया था सड़क बनवाने के लिए, सड़क नहीं बनवा पाए 170 करोड़ रुपए में। जैसे प्रशासकों के हाथ में गया, उन्होंने 77 करोड़ रुपए और मांगे सड़क, यह बातें रहते हुए कि सड़क ठीक नहीं है, तो ये तो अपने क्लियर कर देता है। दूसरा, कोरोना के बाद इन्होंने गृह कर में लगभग दुगना वृद्धि कर दिया, लाइसेंस फीसों में, ज्यादातर की लाइसेंस फीसों में दुगना वृद्धि कर दिया। कूड़ा उठाने वाली संस्था थी उसको हटा दिया, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया इन लोगों ने, और कूड़े की समस्या आज तक लगातार बनी हुई है। स्ट्रीट लाइट या तो जलेगी नहीं, जलेगी तो हमेशा जलती ही रहेगी। एक जो सबसे खराब निर्णय लिया इन्होंने शहरी स्तर में, कि जो एक नियम था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का है उसकी जमीन को बेचने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको भी खत्म कर दिया इन्होंने। तो जो जो शहर में छोटे बहुत जमीन बचा हुआ है एससी एसटी लोगों के पास में, उसको भी भाजपा के लोग हड़प जाना चाहते हैं। फिर लाइसेंसिंग फीस में क्या किया गया, गाय में 31 रुपए था उसको बढ़ा के 500 रुपए कर दिया, कुत्ता का 500 रुपए था पालने का उसको 1000 रुपए कर दिया गया, जो ई रिक्शा वाले थे उनको 1500 रुपए लिया जाने लग गया, सामान ठेला वालों से 1500 रुपए लेने जाने लग गया, जो बड़े ठेला वाले थे पहले से उनका 28,000 रुपए था उसको 48,000 रुपए कर दिया। ठीक है, और जो कोई अपने घर के आगे, शमसी जी तमाम आपसे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि आप 28 साल से आपकी पार्टी का भले ही इस सीट पर दबदबा रहा हो, लेकिन क्या वाकई में विकास हुआ? क्या लखनऊ के लोगों को जल निकासी की समस्या से आप उबार पाए हैं? हमको चुनने इसका मतलब है कि जनता हमारे काम से पसंद है, और इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से कम से कम 2-3 लाख वोट का जो सीट का आंसर होगा सुषमा खरकवाल जी का, वो भी आप देख लीजिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे सुषमा खरकवाल जी, क्योंकि जो भी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं या तो उनको कोई पहचानता नहीं या तो किसी बड़े घराने से पैसा लेकर टिकट खरीद कराए हैं, तो इसलिए जनता ने उनसे दूरी बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही पुरानी कार्यकर्ता जो उनके बीच की रहने वाली है, बड़े बड़े नाम थे, सभी नामों को किनारे करते हुए एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उस टिकट दिया, जिसकी वजह से पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, और जनता भी चाहती है कि ऐसे ही लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसे ही लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए, और ऐसे ही लोगों को लखनऊ महापौर की। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूँ। क्या कभी आप पुराना लखनऊ गए हैं? मैं पुराने लखनऊ में ही रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, कूड़े का ढेर देखा होगा क्या आपने? क्या आप, चलिए ठीक है, चलिए आपने क्या लखनऊ की टूटे हुए सड़कें देखी है? कभी आप कैसरबाग से अमीनाबाद जाइए, वहाँ पे सड़कें कम गड्ढे ज्यादा है। देखिए कैसरबाग से अमीनाबाग जो लाल बत्ती से कैसरबाग बस स्टैंड के बीच का जो मामला है, वहाँ पर हमेशा
जब भी आप रोड बनाएंगे वहाँ तीसरे दिन आप देखेंगे कि एक अलग से गिरोह बनकर आता है और कहीं ना कहीं पे वो गड्ढे खोद देता है पाइप लगाने के बहाने, कहीं ना कहीं पे वो गड्ढे खोद देता है कुछ और करने के लिए, उनका वो धार्मिक कार्यक्रम रहता है उस वजह से वहाँ पर गड्ढा खोद दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रोड जो है हमेशा खराब रहती है। जबकि अभी भी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब रोड को सही कराने की बात कही थी उस वक्त भी वहां पर मरम्मत कराई गई थी और दोबारा जब डेडलाइन बढ़ाई गई थी तो दोनों बार वहां पर रोड की मरम्मत कराई गई थी क्योंकि वहां की शिकायतें ज्यादा आ रही थी। लेकिन फिर देखने को यही हुआ कि 3 से 4 दिनों के बाद जैसे कोई जानबूझकर विपक्ष का नेता जैसे कोई जानबूझकर मुद्दा बनाने के लिए, और हमको तो लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बने हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं इन्होंने ये काम करा क्योंकि इनको पूरे लखनऊ में चमचमाती हुई सड़क दिखाई दी। यानी आपके हिसाब से विपक्षी पार्टियां गड्ढे खुदवाने का काम कर रही है शमसी जी, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरी बात सुनिए मैडम, कि आपने भी उसी एक जगह की बात किया, इसका मतलब कम से कम ये है कि पूरे लखनऊ में ओवरऑल सड़कें सही तो हैं भाई साहब। मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकती हूँ सर, हजरतगंज में आप और आगे बढ़िए आपको खुद टूटी सड़कें मिलेंगी। आप बताएं कहाँ पर? बिल्कुल सर, जब आप नेशनल पीजे के साइड बढ़ेंगे ना वहाँ की भी सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पे चलिए मैं आपको अपने साथ चल के दिखा दूंगी। लेकिन अभी आपने क्या कहा कि ऐसा लगता है कि मानो ये विपक्ष करवा रहा है, क्यों, क्या आपको वाकई ठीक है? रविंद्र जी आपने सुना कि ये कहा जा रहा है कि सपा अब सड़कें तुड़वाने का काम करने लगी, अयोग्य है कि हम समाजवादी पार्टी कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिल के सड़क इनकी तोड़ रही है और ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, कितने मासूम भी हैं बेचारे। तो ये इनकी आदत है अपनी अयोग्यता को दूसरे के ऊपर थोप देने की है। और बीच में मत बोले तो दूसरा विषय ये है कि पिछले बजट का 52% ही खर्च कर पाइए, तो उस 52% में से 30% भी निकायों को नहीं पहुंच पाया पैसा, क्योंकि हेडक्वार्टर पे खर्च हो जाता है। तो अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए हमको कह रहे हैं, तो हम तो बहुत मजबूत होकर उभरे कि सड़कें खोद दे रहे हैं, हमें कि 52% क्यों खर्च कर पाए, उससे निकाय को क्या मिलेगा, नगर निगम को क्या मिलेगा, तनख्वाह देने का पैसा और क्या नाम है उनके डीजल का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा, बिजली का भी खर्चा नहीं निकल पाएगा, इस अयोग्यता क्यों तो छुपा रहे हैं? आप आरोप लगा लीजिए, सरकार आपकी है, जनता आपसे पूछेगी, जिसका परिणाम लखनऊ में साफ दिखाई पड़ रहा है। आप शहर में वोट भी नहीं डलवा पा रहे हैं, अभी कहेंगे वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, शहर में अब तक 30% वोट हुआ है, यही के देहातों में 66% तक वोटिंग हो गई है। तो आप अपनी अयोग्यता को हमारे ऊपर नहीं थोपेंगे तो अच्छा होगा, और ईश्वर करे ऐसे थोपते रहिए, थोपते 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 एक दिन किनारे हो जाइए। धन्यवाद। ठीक है शमशी जी, अभी आपने साफ तौर पर सुना रविंद्र जी ने अपना जवाब दिया, 10 सेकंड के अंदर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये जवाब नहीं, ये हताशा है, ये निराशा है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार इस तरीके से बोलते चले आ रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों का जो है भारतीय जनता पार्टी सिरे से खंडन करती है, और हम जनता के बीच में रहने का काम करते हैं, जनता की समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं, इसीलिए हमको बार बार जनता जो है चुनती है और जनता हमको जो है सराखों पर बैठाती है, क्योंकि हम ही ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। इनके कोई भी नेता जब बहुत ज्यादा आवाज उठने लगी तो इन्होंने कहा कि चलो भाई मेट्रो का सफर कर लिया जाए, क्योंकि मेट्रो में भी एसी लगी हुई है जो योगी आदित्यनाथ ने जिसका उद्घाटन किया था, माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया था, तो चलो उसमें यात्रा कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही वहां पर उतरे, ये भूतनाथ पर जैसे उतरे, इनको गर्मी लगी क्योंकि भाई एसी में रहने वाले नेता है ये, तो उन्होंने फिर से अपना जो है कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है बहुत ज्यादा हताशा और निराशा के शिकार है। सिर्फ और सिर्फ ये है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का जो इनके यहाँ खिलाफ चलता है उसमें इनके सारे नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से शामिल रहते हैं। अब आप एक और चीज रोना देखिए, क्योंकि 13 तारीख को इनको स्पेशल क्लास दी जाएगी, 2 दिन का इनका इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग होगी कि अब ईवीएम का रोना रोएंगे और शासन प्रशासन के ऊपर आरोप लगाएंगे, सरकारी मशीनरी पर आरोप लगाएंगे। 13 तारीख को जब परिणाम निकलेगा कि सभी मेयर की सीटें, सभी महापौर की सीटें भारतीय जनता पार्टी। अच्छा शमसी जी ठीक है, आप बहुत दावे कर रहे हैं, क्या निकाय चुनाव में अतीक अशरफ हत्याकांड को आपने मुद्दा नहीं बनाया, क्या आपकी पार्टी ने उसको मुद्दा नहीं बनाया?
पिता ने हमारे अगर इसको मुद्दा बनाकर बोल दिया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कहीं विजुअल उसका हो तो हमको बताइए कि उन्होंने कहा हो कि अतीक अहमद को जो है तो इस तरीके से हमने खत्म कर दिया, हम कोर्ट दीजिए, मुख्तार अंसारी को जेल में बंद कर दिया, हम कोर्ट दीजिए, हमने अपराधियों का सफाया किया है इसलिए हमने वो जरूर मांगा है, हमने अपराधियों का नुकसान किया इसलिए हमने वो जरूर मांगा है, प्रदेश को अमन चैन की तरफ भेजा इसलिए हमने वो जरूर मांगा है, विकास के पथ पर ले जाने का काम किया हमने इस वजह से वोट मांगा है, लेकिन कहीं पर भी अतीक का अशरफ का कहीं पर नाम लिया हो तो आप हमको जरूर बता सकती हैं। ठीक है सैयद तकी साहब, एक फाइनल कमेंट दीजिए अपना इस पे। देखिए लखनऊ में 28 साल से मेयर बीजेपी का है, 65% ज्यादा सभासद बीजेपी के हैं, एमएलए जो 9 MLA होते हैं लखनऊ में 7 उसमें बीजेपी के हैं, MP दोनों बीजेपी के हैं, चीफ मिनिस्टर पिछले 6 साल से बीजेपी के हैं, प्राइम मिनिस्टर 9 साल से बीजेपी के हैं, अब इससे ज्यादा ताकत, इससे ज्यादा पावर, इससे ज्यादा सत्ता किसको हासिल हुई है, उसके बाद भी अगर ये लखनऊ को, शहरों को डेंगू से, मच्छर से, मलेरिया से, चिकनगुनिया से, नालियों से, गड्ढों से, सीवर से, बीमारियों से, परेशानियों से, बिजली जाने से मुक्त नहीं करा पा रहे तो इनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और जंगलों में निकल जाना चाहिए, क्योंकि इतनी पावर, इतनी ताकत, इतना सत्ता में तो कोई पार्टी नहीं रही अभी तक जितना ये है सत्ता में, कई सभासद तो इनके पिछले 30 साल से 25 साल से सभासद है, और यहाँ से राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, अब योगी जी चीफ मिनिस्टर है, इतने चीफ मिनिस्टर यूपी से मिले इनको, और इन्होंने क्या किया यूपी का, इन्होंने हमेशा यूपी का इस्तेमाल किया राजनीतिक सीढ़ी की तरह से, और यूपी के वालों को ठगा है, उनको लूटा है, और उनको कुछ दिया नहीं सिवाय झूठे वादों के, चुनावी वादों के, और जनता परेशान हो गई है, वो छुटकारा पाना चाहती है बीजेपी से, इस बार बहुत साइलेंट वोट पड़ रहा है जो बीजेपी के अगेंस्ट मिल रहा है, और जो जो परिणाम आएंगे वह वो चौंका देंगे। ठीक है बिल्कुल, आप तीनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। फिलहाल इसका तो नतीजा 13 मई को ही आएगा कि आखिर जनता किस पार्टी से कितना परेशान है और जनता ने किस पार्टी पर कितना भरोसा जताया है, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है और समय हो गया है तकरीबन, मेरे हिसाब से कि समय हो चुका है 4 से ज्यादा का समय हो चुका है और अब महज थोड़ी ही देर का समय बचा है जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल पूरी तरीके से कर चुकी होगी, तो 6 बजे तक जो जनता है वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकती होगी। जिस तरीके से हमें लगातार तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो कह रहे थे कि वो विकास के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं और वो विकास करना चाहते हैं, जनता उस पर कितना भरोसा करती है इसका खुलासा तो फिलहाल 13 मई को होगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन इसी बीच प्राइम टीवी लगातार अपने सभी दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि वो मताधिकार अपने इस्तेमाल करें, क्योंकि एक एक मत आपके देश के साथ ही आपके क्षेत्र का भी भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।